हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फोरकास्टिंग मैन पावर नीड। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एजुकेशन के साथ रिलेशन होता है मैन पावर का, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन में डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, जो भी उसके ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपके पास मैन पावर नीड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको फोरकास्ट करना, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोग मिलकर काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके लिए टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, अगर मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज कितने लोग चाहिए, अगर मुझे उसको फोरकास्ट करना है, उसका पता लगाना है। फोरकास्टिंग मतलब पहले से आइडिया लगाना कि कितने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इन द डेल्फी टेक्निक अ पैनल ऑफ रेलिवेंट पीपल इज चूजन टू एड्रेस एन इशू। एक पैनल लेते हैं कुछ लोगों का, ठीक है, जो कि किसी एक इशू के ऊपर बातचीत करते हैं, एड्रेस करते हैं। इससे क्या होता है ना, डिसीजन बनाने में इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सपर्ट आर चूजन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। बेसिकली पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कुछ रिलेवेंट लोग, मतलब जो उस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, उससे डिसीजन बनाने में हेल्प मिलती है। एंड एक्सपर्ट चूज किए जाते हैं उनकी नॉलेज के बेस पे, उनके इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे। यहाँ पे जो मेन आइडिया है इज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट इन अ गिवन एरिया बाय इंटीग्रेटिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो मेन आइडिया है, जो इस डेफिनी टेक्निक में जो इम्पॉर्टेंट है, हमें फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में प्रिडिक्ट करना है किसी भी एरिया में। एंड इसमें हम लोग जो एक्सपर्ट के ओपिनियंस हैं उन सबको मिलाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डेफिनी टेक्निक का बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है कोई भी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सबको साथ में लेके चलते हैं। जो टाइम होता है एक्सटर्नल टाइम, उसको हम यूज़ करते हैं अच्छे से। डाइवर्सिटी एंड क्वांटिटी बढ़ जाती है जो आइडिया जनरेट होती हैं उसकी, क्योंकि लोगों के पास अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग लोग हैं। एक्यूरेसी ऑफ प्रडिक्शन, जो प्रडिक्शन होता है काफ़ी एक्यूरेट, इसमें हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रडिक्शन जो है काफ़ी एक्यूरेट बैठा है। सो दैट इज़ वन थिंग। नेक्स्ट नॉमिनल टेक्निक, पार्टिसिपेंट्स राइट देयर आइडियाज़। नॉमिनल टेक्निक में क्या होता है, ये सेकेंड वे है। फर्स्ट वाला जो था आपका, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला वॉज दिस डेल्फी टेक्निक, दूसरा है नॉमिनल टेक्निक। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपने आइडिया लिख देते हैं। तो सपोज उन्होंने आइडिया लिख दिया, फैसिलिटेटर कलेक्ट द आइडिया। अब इन आइडिया को जो फैसिलिटेटर है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, हर आइडिया के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज होंगे, हर आइडिया पे एक ग्रुप वोटिंग होगी। ग्रुप वोटिंग होने की वजह से वो जो मतलब ग्रुप है वो तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सपोज बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब इसका एक आइडिया, इनका एक आइडिया, इनका एक आइडिया, इनका एक आइडिया है, तो इस इनके आइडिया को हो सकता है बाकी लोग पसंद करें, हो सकता है इनके आइडिया को ना पसंद करें। तो पहले से ही ग्रुप को तैयार रहना है कि हमें किस तरह से मतलब एनकरेज करना है, एम्ब्रेस करना है इस प्रोसेस को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आती है कि अगर सब मतलब किसी का आइडिया बिल्कुल ही फेल हो रहा है, तो बुरा ना माने, मतलब समझ लो, प्रिपेयर रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो भी पर्सन है, सबके वोट को यू नो इम्पोर्टेंस मिलती है, क्योंकि सबको ही वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये एक मेथड है जिसमें सारे मेंबर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, एक पर्सन डोमिनेट नहीं कर सकता। मतलब सपोज यहाँ पे ये थे, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि मेरा आइडिया बेस्ट है, मेरा आइडिया फॉलो करो, नहीं। अगर आपका आइडिया बेस्ट है तो बाकी लोगों को भी बेस्ट लगना चाहिए, तभी वो बेस्ट में काउंट होगा, तभी उसको इंक्लूड करेंगे। वाइडर पार्टिसिपेशन, मेंबर कैन कम अप विद न्यू आइडियाज़। काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है और जो मेंबर होते हैं वो नए आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं। वाइडर पार्टिसिपेशन एंड पीपल, यू नो, डिफरेंट पीपल कैन कम अप विद द न्यू आइडियाज़। सब हर कोई नए नए आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इस टेक्निक के। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वेरी रिजिड प्रोसीजर, बहुत रिजिड है, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है, और हर मेंबर की कहीं ना कहीं कैपेसिटी पर डिपेंडेंट है। कई बार इट्स अ गुड थिंग, कई बार इट्स अ बैड थिंग कि हर किसी के हाथ में सब कुछ है। सो दिस इज अ क्वाइट ड्रॉबैक भी और एडवांटेज भी, ये मान के चल सकते हो। तो प्रोसीजर एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इंडिविजुअल सब साथ में आते हैं, एक प्रॉब्लम उनको दी जाती है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन डेवलप करते हैं और कार्ड पे लिख देते हैं। आइडिया शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो ग्रुप मेंबर हैं वो बताते हैं कि देखो ये बेस्ट है, फाइनली ग्रुप डिसीजन अनाउंस हो जाता है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड द नॉमिनल टेक्निक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा डेल्फी टेक्निक, जो कि फोरकास्टिंग में यूज होती है। नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे आपको पता होता है आइडियाज आना, नए नए आइडियाज आना। एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग इन पीपल, बच्चों के अंदर, सॉरी जो लोग हैं उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग कि भाई सोचो, जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, जितना वेराइटी में सोच सकते हो सोचो। इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एफर्ट्स आर मेड टू कॉन्क्लूड अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाई गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके, यू नो,
उसको कॉन्क्लूड करो, उसका सॉल्यूशन निकालो और बहुत सारे आइडियाज को कलेक्ट करो. मतलब जैसे सपोज ये इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया, सबको मिला के कुछ नया भी सोच सकते हैं, नए आइडियाज और निकाल सकते हैं और हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि एक तो दिमाग सबका चलता है, क्रिएटिव थिंकिंग वाला पार्ट आ जाता है. इसमें चार बेसिक गाइडलाइन है जिसके अराउंड ये बिल्ड हुआ हुआ है. जनरेट एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल, जितने आइडियाज जनरेट कर सकते हो उतना करो. बिल्ड अपॉन एक्सटेंडिंग और कंबाइनिंग अर्लियर आइडियाज, यानी कि पहले वाले आइडियाज के ऊपर ही वर्क कर सकते हैं या फिर बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिला के नया आइडिया बना सकते हैं. क्रिएटिव रहना है, फ्री विलिंग एंड इमेजिनेटिव, थोड़ा फ्री इमेजिनेटिव रहना है, फ्री विलिंग रहना है. विदहोल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ अदर आइडियाज, अगर किसी को किसी का आइडिया नहीं भी पसंद आ रहा तो उसको ऐसा नहीं है कि आप मतलब क्रिटिसाइज ही कर दो, आप मन में रखो ठीक है, बट यहाँ पे आपको बेसिकली दूसरों के आइडियाज को ऐसा नहीं मानना कि बेकार आइडिया है तुम्हारा, बिकॉज ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, हर किसी के आइडिया को इंपॉर्टेंस देनी है. दिस मेथड इज डिपेंडेंट ऑन स्पार्किंग न्यू आइडियाज ऑफ देयर ओन, ये जो मेथड है ये डिपेंडेंट है किस पे, स्पार्किंग न्यू आइडियाज ऑफ देयर ओन, खुद के नए आइडियाज निकालने हैं. विलिंगनेस टू हियर थॉट्स, दूसरों के बारे में सोचना है, मतलब उनके जो थॉट्स हैं जो वो सोचते हैं. कैपेसिटी ऑफ ईच मेंबर, हर किसी के मेंबर की कैपेसिटी होती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है. फील फ्री टू एक्सप्रेस द आइडियाज, हर कोई अपने आइडियाज को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है ठीक है. तो ये सारी चीजें हो गई. अब एडवांटेज पे चलते हैं. ग्रुप मेंबर आर एंथुजियास्टिक, जितने भी ग्रुप मेंबर हैं सारे एंथुजियास्टिक हैं, मतलब यू नो दे आर वेरी कि मतलब यू नो जोश में कि हाँ करते हैं, लेट्स डू इट, लेट्स गिव द न्यू आइडिया. सो ये एक चीज हो जाती है. कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज, कई बार सबके आइडियाज कंबाइन होके एक नया बेटर आइडिया बन जाता है, ये भी फायदा होता है, एक बेटर आइडिया डेवलप हो जाता है. ब्रॉड लेवल पार्टिसिपेशन, काफी बड़े लेवल पे, क्योंकि सारे लोग आइडियाज दे रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे होता है. ऑल मेंटेन द पार्टिसिपेशन एंड ऑल आर इन्वॉल्व, सारे जो हैं पार्टिसिपेशन यू नो मेंटेन करते हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर. सो दीज आर द एडवांटेजेस, सो दैट इज वन थिंग. अब ऑब्वियसली इसके भी डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे. वन पर्सन कैन स्पीक एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही पर्सन बोल सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ऐसा नहीं कि सब बोले जा रहे हैं, जो पर्सन है जो आइडिया प्रेजेंट कर रहा है वो बोलेगा. फाइनल प्रोडक्ट इज टीम सॉल्यूशन, नॉट एन इंडिविजुअल मेंबर कैन यू नो फील दैट, मतलब बेसिकली एक पर जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो टीम का सॉल्यूशन है, टीम निकालेगी उसको, ऐसा नहीं है कि वन पर्सन विल टेक द चार्ज, टीम का जो सॉल्यूशन रिजल्ट आएगा वो निकलेगा. समटाइम क्रिएटिव थॉट आर लुक डाउन, कई बार लोगों के बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज को ऐसा माना जाता है कि ठीक है चलो नहीं लिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो मतलब इनडायरेक्टली उसको लुक डाउन कर दिया है ना. सो दैट कैन हैपन ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. नाउ रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कौन सा मेथड होता है. इट इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर स्टाफ रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग रेशियो बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड. बेसिकली हम लोग यहाँ पे रेशियो की हेल्प लेते हैं, यानी कि हमें देखना है कि कितनी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, तो हम देखेंगे कितनी मतलब सेल्स है, क्या वॉल्यूम है, कितने एम्प्लॉयज नीडेड है, ऐसे हम उनकी सेल्स निकाल लेंगे, मतलब ओवरऑल रेशियो निकाल लेंगे एंड रेशियो एनालिसिस करते हैं. तो यहाँ पर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो का होता है. देन स्कैटर प्लॉट, ग्राफिकल मेथड होता है स्कैटर प्लॉट, हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई दो चीजें जो मेन है यहाँ पे उनके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, क्या रिलेशनशिप है. इफ एन एचआर मैनेजर कैन फोरकास्ट द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ही शुड ऑल्सो एस्टिमेट पर्सनल रिक्वायरमेंट्स. अगर एक एचआर मैनेजर जो है वो फोरकास्ट कर सकता है लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एचआर मैनेजर की अगर मैं बात करूं वो ये कर पा रहा है, फोरकास्ट कर पा रहा है कि ठीक है बिजनेस एक्टिविटी कितनी होनी है, क्या है, तो उसको ही शुड ऑल्सो एस्टिमेट पर्सनल रिक्वायरमेंट. वो मतलब अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को भी यू नो आइडिया लगा सकता है कि अच्छा ऐसा ऐसा होने वाला है. मैनेजर हैव टू मॉडिफाई द फोरकास्ट बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज प्रोजेक्टेड टर्नओवर और अ डिजायर टू एंटर न्यू मार्केट. जो मैनेजर है उसको मॉडिफाई करना है द फोरकास्ट बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज प्रोजेक्टेड टर्नओवर और अ डिजायर टू एंटर न्यू मार्केट. बेसिकली यहाँ पे जो वर्क है, सपोज मैनेजर इज लुकिंग समथिंग, तो यहाँ पे वो दो वेरिएबल्स को देखेंगे, अच्छा ये है एक चीज, ये एक चीज है, दोनों के बीच में देखेंगे अच्छा क्या रिलेशनशिप है, और फिर उसके हिसाब से फोरकास्ट करा जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है. ऑन दैट बेसिस फोरकास्ट कैन बी डन, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग विद द स्कैटर प्लॉट एंड दैट इज इट फॉर टुडे. सो आई थिंक इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि एजुकेशन में जो मैन पावर की जरूरत है और उसको अगर आपको फोरकास्ट करना है कि मैन पावर की कितनी जरूरत है, मैन पावर नीड्स को आपको फोरकास्ट करना है, पहले से पता लगाना है, तो विच ऑल टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज. तो यहाँ पे लिखा भी है डेल्फी टेक्निक इज वन, जिसमें हमने पढ़ा क्या होता है, उसके बाद नॉमिनल टेक्निक, देन ब्रेन स्ट्रॉमिंग, देन रेशियो एनालिसिस, देन स्कैटर प्लॉट. दीज आर द वेज
बाय विच यू कैन गेट द आइडिया कि अच्छा ये इतने इतनी जरूरत है, इतने इतने लोगों की शायद जरूरत पड़ सकती है. सो दैट इज पार्ट ऑफ योर एमिड सिलेबस. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियोज बनाने के लिए. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.